हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने चैनल फ्लूट जोन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है दोस्तों कि मुझे एक दोस्त ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि मैंने बांस के बीच में जो गांठ होता है उस गांठ को कैसे मैंने निकाला। मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था दोस्तों जी बेस फ्लूट का, जिस प्रकार मैं देख रहे हैं आप सभी यहाँ पर, ये बेस फ्लूट है दोस्तों। इस बेस फ्लूट को मैंने पिछला वीडियो में आपके सामने मैंने बनाया था और इसको मैंने इस प्रकार से सजाया है। और इसी बेस फ्लूट जिसके यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर बीच में एक गांठ था, यहाँ पर ये गांठ था, जिस प्रकार ये बांस के बीचों बीच एक गांठ होता है। अब हमारे साधारण रूप से देखा जाए तो हमारे गाँव में जो बांस मिलता है वो बहुत कम दूरी का होता है, जिसके बीच बीच में बहुत गांठ होता है और हम इस पर बेस फ्लूट नहीं बना पाते। तो बेस फ्लूट बनाने के लिए हम इस पर इसके जब तक हम गांठ को दूर नहीं करेंगे दोस्तों, तो तब तक हम इस पर बेस फ्लूट नहीं बना सकते। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ दोस्तों आप सबको कि इस बेस फ्लूट को जो जिसको मैंने बनाया है उसको यहाँ इसी तरीके से मैंने बांस को लिया था और उस पर यहाँ पर ये लोहे का एक राड मिलता है जिसको गिरमिट कहा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। ये लोहे की दुकान में मिलता है दोस्तों। इसका नुकीला इस प्रकार होता है, आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से। और यहाँ पर हम किस प्रकार इसको होल को हम करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं होल मतलब गांठ को हम कैसे निकालेंगे। तो ये है दोस्तों कि आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये है दोस्तों जो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये आप नुकीला भाग और ये अपना ये नुकीला भाग और ये हमारा जो मैंने बांस जो लिया है वो बांस इस प्रकार से आप यहाँ पर ये होल होल के अंदर इसको ऐसे अंदर करेंगे दोस्तों, इस प्रकार। और इसको दोस्तों ऐसे आपको ऐसे जब हाथ से ऐसे करेंगे दोस्तों तो ये नहीं हो पाता एक हाथ से, उसको क्या करेंगे दोस्तों कि इस प्रकार से हम इसको खड़ा करेंगे। इसको खड़ा करने के बाद इसको आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप खड़ा करेंगे दोस्तों। खड़ा करने के बाद इसको आप इस प्रकार से डालते जाए, इसको घुमाते जाएंगे, दबा दबा के घुमाना है दोस्तों थोड़ा सा। तो ये अपना होल को लेते जाएगा और बहुत ही आराम से ये अपना ये गांठ ये जो हिस्सा जो गांठ का हिस्सा जो दिख रहा है वो गांठ का इस प्रकार से घुमाते घुमाते ऐसे ऐसे घुमाएंगे हम और थोड़ा दबा के घुमाएंगे। तो इस प्रकार से ये गांठ आप देख सकते हैं ड्रिलिंग करते हुए जिस प्रकार ड्रिल मशीन घूमता है वैसे ही आप इसको होल को घुमाएंगे और इस प्रकार से ये आपका गांठ का दोनों हिस्सा, एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने ये गिरमिट से इसको मैंने यहाँ पर होल कर लिया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस प्रकार से जो गांव में जो बांस मिलता है दोस्तों, उस गांव के बांस को आप ये जो जो गांठ होता है उसको आप इस प्रकार से गिरमिट में छेद कर आप इसका होल अंदर का जो गांठ है उसको निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर देख भी रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पर आर पार ये होल हो चुका है दोस्तों, इस प्रकार से देख सकते हैं ये। तो ये आप बेस फ्रूट बनाने के लिए तैयार हो गया दोस्तों। अब मैं इसमें यही बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैंने किस प्रकार ये गांठ को निकाला। आप भी ऐसे ही इस बांस के गांठ को निकालें और अपना मेरी ही तरह आप बेस फ्रूट आप बना सकते हैं। इससे आप जी बेस फ्रूट, ई बेस फ्रूट, बी बेस फ्रूट, सी बेस फ्रूट, किसी भी बेस फ्रूट को आप बना सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार अपने घर के ग्रामीण क्षेत्र पे जो हमारे आसपास जो छत्तीसगढ़ में खासकर ऐसे बांस मिलते हैं जिस पे कम दूरी पर गांठ होता है, इसके गांठ को हम इस प्रकार से दूर करेंगे, निकालेंगे और अपना बेस फ्लूट बना सकते हैं। यदि आप मेरे इस जी बेस के फ्लूट को बनाना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो आप देखें दोस्तों, उसमें मैंने इसको कैसे बनाया है और इसका मेज़रमेंट क्या है दोस्तों, उसका भी मैंने इसका वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो को आप देखें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप सभी लाइक बिल्कुल करें दोस्तों, एक लाइक तो आप बनता है, और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही
सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।